गुरुग्राम के मानेसर के कासंग गांव में जमीन अधिग्रहण मामले में एक तरफ अवॉर्ड सुनाया जा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ सीएम मनोहर लाल ने बढ़ते आक्रोश और विरोध के मद्देनजर किसानों को एक बार फिर वार्ता के लिए आमंत्रित किया। हालांकि पहले से तय था कि वार्ता में ज्यादा कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन किसानों को उम्मीद बंधी थी कि शायद इस वार्ता में सीएम उनके मुआवजे की रकम को बढ़ाने की बात करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल से किसानों से दो टूक बात कह अवार्ड लेने को कहा और चलता कर दिया। देखिए हमारे संवाददाता की जमीन मालिकों से खास बातचीत। मानेसर की 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण मामले की आज तारीख थी, अवार्ड आने की तारीख थी और आज ही प्रदेश सरकार के सीएम मुख्यमंत्री का गुरुग्राम दौरा था। इसी को लेकर, जमीन को लेकर ग्रामीणों ने अपनी जमीन को लेकर सीएम साहब से मीटिंग करी। क्या कुछ इस मीटिंग में निकल कर आया, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं रोहता सरपंच गांव खो, मैं 1810 का इस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। क्या कुछ इस मीटिंग में निकल कर आया, आप कौन कौन इस मीटिंग में मिले हो आप? आज हम इस मीटिंग में मिले हैं अपने 15-16 मतलब मिले हैं अपने किसान भाई। तो मुख्यमंत्री हमने एक ही बात कहा है जी, हमें छोटा किसान है, 1000 के करीब किसान छोटा है, इसमें 1 कनाल 2 कनाल 3 कनाल क्योंकि अपना गुजारा कर रहे हैं। वो अपने तोरी घिया बेचकर, अपना दूध घी बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। वो इतने बड़े किसान नहीं है जो कि आप 55 लाख उन्हें दे दो जो अपना कई घर भी बना सके, वो भी घर नहीं बनेगा। और यहाँ से दादा लाही बसे हुए को आप बर्बाद करोगे ना, तो ये सारे किसान 20,000 किसान रोड के ऊपर बैठ जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। इनके तो कोई ब्याह शादी भी नहीं करेगा ऐसे आप करोगे तो। बाहर से ला के बसा रहे हैं, यहाँ के उजाड़ रहे हैं, क्योंकि 2011 में सेक्शन 4 हुआ था, हम जब से ही लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, आज 11 साल हो गई। और राव इंद्रजीत ने भी ये कहा, अब मुख्यमंत्री जी इनकी 1700 किला पहले चलेगी, 1810 किला है, इनको छोड़ दो, यही एक छोटा टुकड़ा बचा है। हमारी खो काशन मानेसर में 1000 फुट तक पानी नहीं है, ख़त्म हो गया। जो हमारा किसान भाई है सब खेतों के अंदर रहते हैं, उन्हें घर बना रखे हैं, वहीं पर रहते हैं। और पर्यावरण की वजह से, क्योंकि वहाँ पर शुद्ध हवा मिलती है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर ये समझो अब बहुत ही छोटा किसान है। 36 बिरादरी के भाई रहते हैं, खाली अकेली एक कोई बिरादरी नहीं है, इसमें हरिजन भी है, कुम्हार भी है, खाती भी है, नाई भी है, धोबी भी है, और इसमें हीर भी है, जाट भी है, सब बिरादरी का, 36 बिरादरी का आदमी रहते हैं। तो हमारा तो यही था मुख्यमंत्री साहब, आप 11 करोड़ दो और ले लो, और नहीं हमारी ज़मीन छोड़ दो। तो मुख्यमंत्री पहले मिले थे जब ये बोला, अब भाई ज़मीन तो आपकी सस्ती है क्योंकि 7-8 करोड़ रुपया की तो है, पर मैं हरियाणा का कर्जा उतारूंगा इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, अब भाई ये आपकी ये ज़मीन लेनी पड़ेगी। और जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था ये कहा था, अब भाई कमेटी बनाओ, और जब सेक्शन 6 करना, हमारी कमेटी नहीं बनाई, बिगर कमेटी हमारे सेक्शन 6 कर दिया, और इसलिए हम सब भाई किसान एक हैं और ज़मीन अपनी बिल्कुल नहीं देंगे, रोड बिल्कुल जाम करेंगे और मरेंगे और मारेंगे। हम तो पहले ही मरा पड़ा, अब भी मरेंगे, क्योंकि हमारे यही एक टुकड़ा बच रहा है। और हमारे वहाँ पर कम से कम तो आज धरना के ऊपर 1000 लेडीज है, उनसे पूछो वो अपने बच्चे को कैसे पालती है, कैसे पढ़ाती है और कैसे रखती है, क्योंकि यहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने यही ना पता भाई बच्चे कैसे पालने पड़ते हैं, कैसे नहीं पालने पड़ते, वहाँ जाके बूझो, अपने सर्वे करवाओ। कौन कौन इस मीटिंग में शामिल था सर? इस मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री थे, अपने जरावता MLA थे, DC साहब था, ADC था, कमिश्नर मैडम थी, ये शामिल थे, और अपने 10-15 अपने किसान भाई थे। किन किन अधिकारियों को सर आपने गुहार लगा चुके हैं अभी तक? हम हरियाणा सरकार के जितने भी अधिकारी हैं सबसे हम गुहार लगा चुके हैं, कोई MLA कोई सांसद CM साहब जितने भी नीचे तबके के DC साहब जितने भी अधिकारी हैं हम सबसे गुहार लगा चुके हैं कि इस ज़मीन को छोड़ दिया जाए। हमारे 20-25 गांवों के अंदर एक लैंड 1810 एकड़ ज़मीन जो बची हुई है, जो 25 गांवों का पेट भर रही है, इन्हीं से हमारे गाँव मतलब 25 गाँव का सब कुछ यहीं से। वो तो एक तरफ आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ खट्टर कह रहे हैं कि ये इतने पैसों में आपको ज़मीन दी जाएगी। उन्होंने कह दिया कि आपका अवार्ड आज सुना दिया गया, अगर आप कोर्ट में जाना चाहो तो कोर्ट में जा सकते हो, उन्होंने एक आश्वासन दिया गया है, हम एक पॉलिसी लाएंगे, वो 8 दिन के अंदर आपको बता दी जाएगी। क्या लगता है आपको क्या कुछ? अब वो तो वो पॉलिसी आने के बाद ही पता लगेगा, वैसे हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
वो हमारा खत्म नहीं होगा। मुआवजा जो है हमारा 55 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से आज सुना दिया गया है। तो क्या लगता है आगे क्या करोगे सर अंकल जी, अगर आपकी नहीं मानी गई तो? सर हम नहीं मानी गई तो रोड पे बैठेंगे और पूरा उग्र प्रदर्शन करेंगे, फुल पूरा भारत को, जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं उनको सबको बुलाएंगे, और जब लग हमारी जमीन रिलीज नहीं करेंगे इतना हम अपना पूरा प्रदर्शन करते रहेंगे। ठीक है, तो सर कितने रुपए की जमीन है आपके और कितने रुपए उसका भाव? हमारी जमीन 10 से 15 करोड़ रुपए की है, तो और ये लोग 55 लाख में उसको लूट रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप, क्या करने वाले आगे भी आप? हम इस आंदोलन को खट्टर से कई बार मिले, वो तो सुनता है और कानों से निकाल देता है, क्योंकि उसको परिवार अगर होता तो उसे पता लगता कि घर कैसे बसता है। उसके परिवार तो है नहीं, उसको इस चीज़ का तो एहसास है नहीं कि भाई घर कैसे चलता है, बच्चे कैसे होते हैं, पशु कैसे रखते हैं। वो तो ये सोच रहा है कि दक्षिणी हरियाणा में अहिरवाल ही सबसे कमज़ोर है, जबकि अहिरवाल ही दक्षिणी हरियाणा कहीं भी सरकार का CM दक्षिणी हरियाणा बनाता है, और इसको खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। और हम इस आंदोलन को इतना उग्र कर देंगे कि नेशनल लेवल पर भी जाने को तैयार रहेंगे। तो आपने देखा ये जो ग्रामीण है जिनकी ज़मीन है, बहुत ज़्यादा आक्रोश में, फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और इन ग्रामीणों के टकराव कहाँ तक रुकती है। गुरुग्राम से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 के लिए हिमांशु।